गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय शर्मा आज फिर आपके साथ एक नए व्लॉग में। एंड आप सभी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ कि कुछ दिन से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। उसका ये रीज़न था कि शायद कुछ बिजी था और इसीलिए नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उड़ीसा में छठ पूजा जो कटक में कैसी होती है। सो अभी हम निकल रहे हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड अभी मिलते हैं हम आपको नदी के किनारे। और अभी हमारा गाड़ी भी ठीक होके आ चुका है। दोस्तों लगता है हम पहुंच तो गए यहाँ पे यार, तो हम लेट हो गए यार आने में। छठ पूजा लगता है निकल गई। चलेगा कुछ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी बहाने सुबह सुबह आप लोग मेरे साथ घूम लिए ना, क्या मस्त माहौल है। और अभी हम नदी में उतर रहे हैं, नदी तो सूखा पड़ा है साला, नदी में पानी भी नहीं है। और उस तरफ कुछ प्रोग्राम और हो रहा है, तो देखते हैं वो प्रोग्राम क्या हो रहा है, हम आपको बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। और ये छठ पूजा एक्चुअल में बिहार में मनाई जाती है, मोस्टली उनकी होती है, वो भी पूजा करते हैं भगवान की, तो हम भी पूजा कर लेते हैं। पूजा तो क्या करते हैं, बस हम आपको दिखाने आए थे कि कैसे क्या होता है। सो अभी चलिए देखते हैं नीचे क्या होता है। और अभी हम नीचे उतर रहे हैं, इतना बड़ा गड़ानी है, मतलब वो ढाल है पहाड़ के नदी में, बिना स्टार्ट की गाड़ी जा रही है। सो वेट पे इतना धूप पड़ रहा है दोस्तों, आँख तो खोल ही नहीं पा रहे, बाप रे बाप, देखिए। एंड अभी हम ये कटक की कारजोड़ी नदी है जो एक्चुअल में बहुत बड़ी नदी है, अभी तो थोड़ा पानी ख़त्म हो गया, नहीं तो ये भी भर जाती है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब पूरा ऊपर तक भर जाती है। सो मेरे को लगता है पूजा तो कम्प्लीट हो गई, क्योंकि ये सूर्य उदय के साथ पूजा होती है और हमारा सूर्य उदय थोड़ा लेट हुआ आज, थोड़ा जल्दी उठ जाते तो आपको अच्छा माहौल दिख जाता। एंड लग रहा है मतलब जो हुआ है बढ़िया हुआ है, इंतजाम भी अच्छा किया हुआ है, मतलब इनका ये भी है। ये क्या है, ये देखो दोस्तों मुझे क्या मिला, देखो स्नेल का खोल, मतलब उसका कवर, और जिसमें वो होता है, मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, कुछ तो होता होगा। हाँ इसमें वो तो है नहीं, वो निकल के भाग गया। सो हम बहुत टाइम के बाद व्लॉग्स में रिटर्न आए हैं एंड इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस बार तो आप अच्छा प्यार दिखाओगे, क्योंकि बीच में आप लोग इतना प्यार दिखा रहे थे कि उस प्यार को मैं सह नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। एंड अब हम रेगुलर व्लॉग तो डालेंगे, आप देखो या ना देखो हमारा काम है, हम अपनी ड्यूटी लगाएंगे। सो मुझे लगता नहीं और आज के व्लॉग में कुछ दिखाने के लायक है, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना अत्यंत जरूरी है, मेरी हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स गड़बड़ा जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना। और मैं आपसे मिलता हूँ कल वाले ब्लॉग में, अब मुझे अलविदा लेना आपसे, बाय बाय।